अबे आपके अंश सौ का निर्गमन इस योर शेयर मतलब शेयर को बेचना सॉरी मतलब सेल कह सकते हो, निर्गम मतलब बेचना सेल करना होता है, इसे सेल भी बोल सकते हो। इससे आपके पैसे आएंगे और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए लाइबिलिटी पक्ष ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, कुछ शेयर लिखते हैं वहाँ पर बेचने में। अब इस योर शेयर फॉर अदर कस्टमर इसी क्यों करते हैं, कारण वो है एक तो इशू करते हैं हम अन्य प्रतिफल के लिए, अन्य प्रतिफल मतलब संपत्ति खरीदी और पैसा नहीं है तो इसके बदले क्या तो आप इक्विटी शेयर दे दो तो हो जाता है। और नंबर दो है आपके केवल रोकड़ के लिए जिसमें केवल कैश आता है, रोकड़ में भी दो दो है आपके, तो याद आएगा केवल आपके असेट्स सेल या हमने कोई संपत्ति खरीदी है परचेज और फिक्स असेट, जो भी संपत्ति आपने खरीदी है उस संपत्ति का मूल्य चुकाने के लिए क्या करते हैं हम अंशों का निगमन करते हैं। क्वेश्चन में आता है आपके दो नंबर का, इसके लिए धन लेकर बताई गई बस सिंपल है, संपत्ति गई थी तो बिल्डिंग गई तो बिल्डिंग उनकी आठ रुपये करेंगे वेंडर जो भी जिससे खरीदी उसका नाम क्या नाम लिखा हुआ है, जैसे राम से खरीदी राम का नाम लिख दो, नहीं लिखा हुआ है ऐसे लिखा खरीदी तो फिर क्या आएगा वेंडर आएगा, फिर पेमेंट करेंगे वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्रीमियम पर भी हो सकती है, डिस्काउंट पर भी हो सकती है और प्रीमियम पर भी हो सकती है। अब है आपके रोकड़ के लिए, केवल रोकड़ के लिए जिसमें केवल कैश आता है, जो आपके संपूर्ण पूरा क्वेश्चन पूरा पार्ट इसी पर है आपके, इसमें एप्लीकेशन है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉस्ट सेकंड कॉस्ट जो दे रखा है इसमें आपके, इसमें भी दो तरीके हैं, एक तो है पूरे की पूरी राशि कहाँ पर आ रहा है आपके एप्लीकेशन पर आ रहा है पूरी पूरी राशि, इसमें दो एंट्री होती है, एक तो पैसा आने की और एक आपकी ड्यू एंट्री, पहली एंट्री बैंक अकाउंट या एप्लीकेशन फिर एप्लीकेशन वहाँ पर ड्यू एंट्री करनी है तो सवाल नहीं खत्म, एक ही एंट्री में खत्म। एक है सवाल आप किस्तों में, किस्तों मतलब ऐसे मतलब एप्लीकेशन भी आए अलॉटमेंट भी आए और कॉल्स भी आए फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल ऐसे, तो आप किस्तों में टुकड़े कर सकते हैं, दस जैसे शहर दस रुपये का है तो दस रुपये पूरे पूरे यही मांग लेंगे, मतलब अगर आपने संपूर्ण राशि एप्लीकेशन में लेनी है। और इंस्टॉलमेंट में किस्तों में है तो दो रुपये यहाँ मांग लिए तीन रुपये मांग लिए फिर तीन मांग लिए फिर आप दो मांग लिए ऐसे मांग सकते हो, तो इससे किस्तों मांग सकते हैं। अब चाहे आपने पूरी राशि किस्तों मांगी है या एक साथ मांगी है, इसमें आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आएगा आपके सममूल्य या आएगा डिस्काउंट या आएगा प्रीमियम। अभी डिस्काउंट कैसा है पॉइंट जो आपके घट गया है, लेकिन ये अभी तक नई किताबों में डिस्काउंट आ रहा है अभी, तो इसलिए आप चाहो तो अगर साल आएगा नहीं आएगा तो लिख सकते दोनों बताऊंगा मैं, डिस्काउंट अगर आ गया तो कैसे करना है, वरना डिस्काउंट नहीं है तो सबसे अच्छा है डिस्काउंट ज़्यादा समस्या होती है हल करने में। तो ये वाला आपके डिबेंचर में है, डिबेंचर में तो डिस्काउंट है पक्का आपके, लेकिन यहाँ इक्विटी शेयर पे शेयर में इशू करते समय यहाँ हटा देंगे, फिर भी अगर आ जाएगा तो उसके बारे में कुछ एंटर बताएंगे। इसमें क्या है ज्यादातर समझ आती है आपके, एक तो वापस हरण करते समय समझ आती है ये एंट्री आ जाती है बिना बदल तो वैसे भी हटा दिया है तो गवर्नमेंट हटा दिया तो ये आपके आएगा नहीं, फिर भी मजा आ जाए उसके लिए दो चार एंट्री हम बताएंगे ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। आप ही मतलब ये है कि अगर आप किसी शेयर को इश्यू करते हैं या तो करेंगे सम मूल्य पर या करेंगे प्रीमियम पर, आप डिस्काउंट पर इश्यू नहीं करते ऐसा है, अभी आप नई बुक्स में ऐसा नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप इसके लिए अगर आ जाए क्वेश्चन आ भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट करनी है आ भी सकता है, इसकी भी तैयारी करनी है अगले साल से हटेगा, अभी तो आपकी इन किताबों में नई वाली किताबों में यही डिस्काउंट आया हुआ। फिर आपके प्रक्रिया, प्रक्रिया कैसी है, पहले आपको जानकारी करना पड़ता है कि हमारे पास इतने शेयर है आओ खरीद लो, फिर एप्लीकेशन आएगी फिर अलॉटमेंट फिर कॉल मांगे, कॉल होती है आपकी दो, एक होती है आपके फर्स्ट कॉल और एक होती है आपके सेकेंड कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो सकती है, तीन कॉल हो सकती है, सवाल दो में भी हो सकता है, सवाल एक में भी हो सकता है, एक कॉल भी हो सकती है, दो कॉल तीन कॉल चार कॉल लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं करते चार कॉल तक होती है, क्योंकि नियम कर दिया है कि कम से कम 25% है तो 25% के आसपास होनी चाहिए एक कॉल, तो अगर 25% करेंगे तो चार कॉल ही बनेगी ज़्यादा बनेगी नहीं, इसलिए ज़्यादातर चार आती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, और आपके ये जाना डिस्काउंट आपके नहीं आएगा, सिंपल है इश्यू करते हैं एक तो संपत्ति को खरीदने के लिए और रोकड़ के लिए, रोकड़ बताया तो चार, और कैसे कर सकते हैं ज्यादा भी मांग सकते हैं कम भी मांग सकते हैं और ज्यादा ज्यादा बराबर कम तीनों, लेकिन कम का हटा दिया गया है फिर भी इसके बारे में समझाएंगे।